Hello kids, how are you all? So, welcome back to the class of General Awareness cum Workbook Part 0. And today, the chapter is all about means of transports. Yes, so let's start the chapter. Chapter 10, it is means of transport. Okay kids, so means of transport matlab? यातायात के साधन यस लाइक कार स्कूटर बाइक बाइसिकल ट्रेन एरोप्लेन या कोई भी ऐसा व्हीकल जिसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं भले वो लॉन्ग हो या फिर एक शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल हो उन्हें कहते हैं हम मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑलराइट सो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे Transport carry people and goods from one place to another. There are different means of transport which we use while traveling to different places. So, transports ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और ये बहुत ही अलग-अलग तरीके के साधन होते हैं और आपको एक चीज और बता सकती हूँ मैं that is कि हम एयरवेज के थ्रू लैंडवेज के थ्रू और वाटरवेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं ऑलराइट सो वी विल स्टडी दैट फर्स्ट इज ट्रैवलिंग बाय एयर ट्रैवलिंग बाय एयर मतलब हवा के जरिए ट्रैवल करना ऑलराइट सो फर्स्ट इसमें आता है हमारा एरोप्लेन यस एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज जिससे हम ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एरोप्लेन से हम अपनी ही कंट्री में दूसरे स्टेट्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक एयरवेज और अगर हमें अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाना हो तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरवेज नेक्स्ट इज हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जो कि एक ऐसा साधन है जिसमें एक बार में दो या दो से ज्यादा लोग बैठ पाते हैं एंड इसके अंदर लिमिटेड लोग ही बैठ सकते हैं और इससे हम नियर बाय प्लेसेस में भी विजिट कर सकते हैं बट हेलीकॉप्टर में हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता है ये हमें बुक करके ही मिल पाता है नेक्स्ट इज हॉट एयर बलून हॉट एयर बलून व्हिच इज लाइक दैट एक बहुत बड़ा बलून होता है जिसके अंदर हम ट्रैवल कर पाते हैं नेक्स्ट इज पैराशूट गाइस पैराशूट आपने सुना जरूर होगा पैराशूट हम बेसिकली अपने ऊपर ऐसे कैरी करते हैं और उसको पुल करके फिर हम नीचे लैंड कर पाते हैं सो पैराशूट भी एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है नेक्स्ट इज रॉकेट सो किड्स एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाते हैं वो वहां तक किसी एरोप्लेन के जरिए नहीं बल्कि एक रॉकेट की हेल्प से जाते हैं रॉकेट एक स्पेशल स्पेस क्राफ्ट होता है जिसकी हेल्प से एस्ट्रोनॉट्स स्पेशली स्पेस तक जा पाते हैं नेक्स्ट इज ग्लाइडर ग्लाइडर एक प्लेन जैसा दिखने वाला ही मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जो कि हवा में उड़ता है सो नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग बाय लैंड लैंड के जरिए ट्रैवल करना सो ये हमारा डेली बेसिस का ही रूटीन है जब हम अपने स्कूल जाने के लिए बस के थ्रू बाइक के थ्रू या स्कूटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं ऑफिस जाने के लिए हम यूजुअली कैब्स और टैक्सीज यूज करते हैं इसके अलावा हम इवनिंग में साइकिलिंग भी करते हैं और साइकिल के थ्रू हम डिफरेंट जगहों पर भी जाते हैं सो दीज आर बेसिकली द लैंडवेज सो लेट्स स्टडी दैट फर्स्ट इज कार सो कार में 4 से 5 लोग एक बार में बैठ सकते हैं और हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कार से ट्रैवल कर सकते हैं कार में हम फ्यूल डलवाते हैं जिसकी हेल्प से कार मूव कर पाती है नेक्स्ट इज अ बस तो बच्चों फ्यूल कंजप्शन को बचाने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसेस भी यूज होने लग गए हैं और इसी वजह से इसे एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाता है नेक्स्ट इज बाइसिकल सो किड्स बाइसिकल हम सबके पास तो होती ही है बाइसिकल के थ्रू हम अपने नियर बाय मार्केट प्लेसेस और पार्क्स तक जा पाते हैं नेक्स्ट इज
मोटरबाइक। मोटरबाइक भी फ्यूल से ही रन होती है और इससे हम अपनी नियर बाय या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। इस पे एक बार में दो लोग ही बैठते हैं। एंड किड्स ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप मोटरबाइक से ट्रेवल करते हैं यू ऑलवेज हैव टू पुट योर हेलमेट ऑन। यानी कि आप जब भी बाइक से ट्रेवल करते हैं आपको हमेशा हेलमेट वेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेन। ट्रेन बेसिकली रेलवेज होता है जो कि ट्रेन ट्रैक्स पर दौड़ती है। इसका एक इंजन होता है और इसके पीछे बोगीज होते हैं जिसमें पैसेंजर्स और गुड्स दोनों ट्रैवल होते हैं। नेक्स्ट इज अ रिक्शा। रिक्शा की हेल्प से हम मार्केट प्लेसेस से अपने घर तक इजीली ट्रैवल कर पाते हैं। आजकल ई रिक्शास भी ज्यादा फेमस हैं, जिनकी हेल्प से हमारे लिए और काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग बाय वाटर। पानी के थ्रू ट्रैवल करना, राइट? सो पानी में चलती है शिप। शिप इज लाइक दैट। नेक्स्ट इज सबमरीन। सबमरीन जैसे शिप इज ऑन द वॉटर, शिप हमारी पानी के ऊपर चलती है और सबमरीन पानी के नीचे चलती है। नेक्स्ट इज याच। याच एक छोटी सी बोट होती है जो कि हवा के जरिए अपना डायरेक्शन चेंज करती है। नेक्स्ट इज सेल बोट। सेल बोट भी एक तरीके की शिप होती है या बोट होती है जो शिप के मुकाबले साइज में छोटी होती है, ये भी पानी के ऊपर चलती है। नेक्स्ट इज कैनो। कैनो हम ज्यादातर रिवर राफ्टिंग एंड वगैरह चीजों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट ज्यादातर आर्मी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव, गेन बेसिक नॉलेज अबाउट द वेरियस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन लैंड, एयर एंड वाटर। सो किड्स विद दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो मेजर ट्रांसपोर्ट्स हैं मैंने आप सभी को इन सभी ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है। सो कैन यू टेल नेम द ट्रांसपोर्ट वी यूज टू ट्रैवल व्हाइल गोइंग टू स्कूल। तो हम जब स्कूल जाते हैं तो हम कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं? That's right, a school bus. So we'll write here school bus. All right. So next, move to the next page and do the activity. Match the means of transport to where they're used. तो यहाँ पर कुछ means of transports की pictures given है और हमें उनको मैच करना है जहां पर वो रन करते हैं। लेट्स डू इट। सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ट्रेन। एंड ट्रेन कहां पर दौड़ती है? यस, ऑन अ रेल ट्रैक। सो वी विल मैच इट विद रेल ट्रैक्स। सेकंड इज एयरप्लेन। और एयरप्लेन कहां उड़ता है? हवा में, यानी कि स्काई में। सो वी विल मैच इट विद एयरप्लेन। नेक्स्ट इज ट्रक। So, ट्रक कहाँ पर जाता है? Yes, ट्रक रोड पर चलता है। So, we'll match it with road. Next is ship. Ship कहाँ पर चलती है? Yes, on water. So, we'll match it with water. Next exercise. Tick the means of transport you have traveled by. So, kids, नीचे दिए गए कुछ given pictures हैं of means of transport. And you have to tick those जिससे आपने आज तक travel किया है। तो अगर आपने bike से travel किया है तो आप bike पे tick करेंगे। अगर आपने car से travel किया है तो आप car पे tick करेंगे। अगर आपने train से travel किया है तो आप train को tick करेंगे। अगर आपने कभी airplane से travel करके देखा है तो आप airplane को भी tick कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने bus से भी travel किया है तो आप bus को भी tick कर सकते हैं। So kids, that's all for today. We'll meet in the next chapter. Till then, bye-bye. Take care.